देखिए सांप को, ये महाशय। अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली, कैसे आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और यहाँ पर आज होने वाली है रूम की सेटिंग, और मैंने क्या लेकर के आई हूँ वो भी आपको दिखाती हूँ। तो अहरार के साथ में मैं यहाँ पर गई थी और इसके पापा फिर आने वाले थे, तो आप लोग देखिए आगे व्लॉग में। ये है अभी टीवी फिटिंग के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन अगर फिट होने को है क्योंकि यहाँ पर रखा हुआ है सब सामान। अभी उधर में टीवी की फिटिंग शुरू है। मुझे बहुत थकान हो रही है, बहुत ज़्यादा। पूरा घूमने घूमने में दिन गया है आज मेरा। सामान लाना है, ये लाना है, वो लाना है, एक के बाद एक। अभी और कुछ रह गया इंटेंशन बॉक्स वगैरह, तो अहरार और उसके पापा गए हैं लाने के लिए। जब तक कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, क्योंकि अभी रात का टाइम हो चुका है, रात तकरीबन 7 तो बजते हुए आ गया है, 7:30 हो रहे हैं। तो सबसे पहले सामान खाली कर लेती हूँ, क्योंकि अभी कोई चीज़ों की कोई गारंटी नहीं होती है घर में, क्योंकि ज़मीन भाप फेंकती है ना, उस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा आती है। और ये पंछी देखिए हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, ये इनकी तो बस चिवचिवाहट ही खत्म नहीं होती है ना, है ना? क्या है, क्या है, क्या कर रहे बेटा? ऐसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे? हाँ, तो सांप भी आता तो तुम लोगों को चिल्ला के नहीं होता, बता के नहीं होता, थोड़ा सा बस अपने ही खेल दिखते हैं, हो गया। बाकी देखती हूँ लोगों का वहाँ तक पहुँचा का, वहाँ तक पहुँचा है, अभी थोड़ा सा दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा हुआ है। तो यहाँ घर के काम शुरू है। ये देखिए सांप को, ये महाशय यहाँ पर आ गए, क्योंकि गेट खुला भी रह गया था और हम लोगों का ध्यान नहीं। धूप गर्मी ज़्यादा रहने की वजह से ना ज़मीन भाप ये करती है ना, तो उस वजह से ये सारी चीज़ें बहुत होने लग जाती है हमारे तरफ में। देखो झाड़ में घुस गए, इसे इतना साफ़ करके रखते वो वहाँ पर गए उधर में। तो ये हैरा है, इंस्पेक्शन कर रहा है, और हमारा सब पूरा इधर से उधर रख करके हो गया है ना। हैरा कांच लगाने के रह गए, ये वाले कांच आए हैं पढ़ने के, जैसे रात को लेकर के आए थे पहले दिन, तो वो भैया आकर के टीवी फिट करके गए थे। लेकिन जो यहाँ पर हम लोगों को लगाने का था, जैसे कांच वगैरह थे साइड कॉर्नर जो लगाने के थे हमको, तो उसके लिए और जो शोकेस रखा हुआ था उसके लिए इनके मैंने मिस्त्री को बुलाई थी। तो ये सारा सामान जो मैं पहले जहाँ रखती थी वहाँ से पूरा हटाना पड़ा मुझे, ताकि यहाँ पर शोकेस सही से फिट हो जाए करके। और वो भैया लोगों ने बहुत फटाफट से काम करके दिए, ज़्यादा टाइमिंग भी नहीं लगाए। मुझे उनका वर्क बहुत ज़्यादा पसंद आया, कि जल्दी जल्दी करके निकल गए वो लोग, और ऊपर से नहीं क्या जो जैसा काम बोली थी वैसा मेरे दिल के हिसाब से बराबर करके दिए उन लोगों ने, बिना कोई झिकझिक किए। वरना कोई किसी का ऐसा वर्कर का रहता है कि झिकझिक ज़्यादा करते, नहीं हम यहाँ नहीं लगाते, वहाँ नहीं लगाते, ऐसा नहीं करते, वैसा नहीं करते, 10 इशू होते, बट इनका ऐसा कुछ भी नहीं था। अब मैं वही सोची थी कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाऊँ, कौन सा क्या करूँ, लेकिन निकट ये 1+ की टीवी है, ये सब कुछ होने के बाद भी नहीं क्या, मुझे बहुत सच में बहुत अच्छा लग रहा था। घर का जो एक लुक था ना वो बिल्कुल नए तरीके से आ गया था। खुशी एक अलग होती है कि मैंने इसको अपनी सेविंग में से ली थी। पहली बात तो ये है कि मैंने जो सेविंग होती है हम कमेटी की वगैरह, वो ये सब कुछ करके मैंने इस टीवी का मतलब इस टीवी को ली। मेरी एक थी कि मैं कुछ तो भी लूँ जो मेरे पास में रहे याद के तौर पे, कि मैंने ये पैसे जमा करी थी तो ये ली थी करके। तो बस ये हो चुका था यहाँ पर, मैंने इसको साफ़ वगैरह सब कुछ कर दी थी। और अब भैया लोगों की बारी थी यहाँ पर शोकेस लगाने की, तो ये कांच बहुत सालों से रखे हुए थे तो वही यहाँ पर फिट कर रहे थे। और अहरार रिलैक्स होकर के अपना मोबाइल देख रहा था, लेकिन अहरार ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि घर में कोई नई चीज़ आती तो खुशी होती है जाहिर सी बात। तो यहाँ पर मेरे रूम का भी मतलब अहरार के रूम का, हॉल का, सबका मेकओवर हो चुका था, जिस तरीके से अभी मैंने नॉर्मली करी ऐसा। बाकी का मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ करी नहीं हूँ। ज्यादा हो रहा है ना उसका, के पूछो ही मत, बहुत ज्यादा शोर हो रहा है। और अभी तक के कुछ काम भी नहीं हुए, मतलब मेरे काम हो चुके हैं, लेकिन वाला काम जो बचा हुआ है वो आधा अधूरा काम बचा हुआ है। सब कुछ यहाँ का सेट कर ली थी मैंने, लेकिन दोबारा से ना फिर उतना सामान निकालना पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि इन लोग इतने सुबह आ जाएंगे करके। सुबह यानी कि तकरीबन अभी तो 1:30 बज गया है, तो कुछ ऐसा था नहीं, मुझे लगा शाम को आएंगे, तब तक मेरे काम जो है मैं फटाफट से निपटा लेती हूँ, बट इस चक्कर में रह गया है। तो देखते हैं अभी,
लेकिन चलो जो टेंशन थी कि वो ग्लासेस वाले आने वाले लगाने के लिए, तो वो टेंशन ख़त्म हो गई कि काम कंप्लीट हो जाएगा मेरा आज। तो अभी ये अलमारी ये वाले कॉर्नर का ग्लासेस तो लग गए हैं यहाँ पर ऐसे, और मैंने यहाँ पर इसको लगा भी दिया, सेट कर दी हूँ। यहाँ पर ये भी आ गई है और इनको यहाँ रख दी, इनको हटाने का यहाँ से भी। और ये सब ऐसे पसारे पड़े हुए हैं, वो कॉर्नर में भी एक ग्लास लग गया है, वन लगाया उधर में, क्योंकि यहाँ के लिए था बट यहाँ पर ना तिरछी दीवार की वजह से वो हुआ नहीं, तो इस वजह से फिर ये यहाँ पर लगा। और ये वाले तो बहुत दिनों से रखे हुए थे जो ग्लासेस, मतलब शोकेस के, तो अभी तो यहाँ पर फिट करने लगे हैं। ये अभी इन्होंने लगाए है, ऐसा आधा लगा हुआ है, अभी फुल लगने को है, सिर्फ ढांचा फिट हुआ है, बाकी के कांच दो रखे, दो लगाने के, दो लग चुके हैं। काम की जगह काम रह गए, बारिश इतनी ज़्यादा होने लग गई, लाइट बंद हो गई, तो उस वजह से ना अब अंधेरे में काम करने का प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि चार्जिंग वाला लाइट सिर्फ किचन में है, इधर में नहीं है, इस वजह से मैनेज कर चुकी थी लाइट की, कभी मुझे कुछ गारंटी नहीं दिख रही है आई करके, क्योंकि बारिश इतनी ज़्यादा होती है, बहुत चमक रही है, उस वजह से तो अभी लाइट बंद ही रहेंगी लगता है, कितने देर करके तो पता नहीं है। अल्लाह, पैसा भी जैसे तैसे करना तो पड़ेगा, उसका काम है। तो अब आ गई है लाइट, लाइट आने के बाद सॉरी वो बंद कर रही। तो ये लग चुका है हमारा शोकेस जो ऐसा ही रखा हुआ था 20 साल से, और ये हमारे साहबजादे लेटे हुए हैं वहां से आकर यहाँ पर, और नीरे 20 साल नहीं 10 साल सॉरी हाँ ना 10 साल से हाँ 8 हाँ 9 साल आने को, तो 8 साल से फिफ्थ में था तू, आधा सेशन हो गया था उसके बाद आए थे अपन यहाँ पर रहने के लिए, लेकिन जब फिफ्थ में था अपन किराए से आ चुके थे यहाँ पर, और फिर इस घर में आने को तेरा फिफ्थ का हाफ सेशन हुआ था, तो 8 साल ना 8-9 साल तकरीबन, तो तब से ये रखे हुए थे कांच जो अभी फिट हो गए है, और साथ ही निकिया LED भी सेट हो गई वहां पर, कॉर्नर ग्लास भी लग गए, अल्हम्दुलिल्लाह से सब कुछ परफेक्ट हो गया है। अब तो ये रूम का तो मैंने जो यहाँ पर फन वो था क्या थी रे शोकेस था ना, वो शोकेस वगैरह उठा करके उधर के रूम में रख दी हूँ, तो अहरार वाला जो रूम है ना तो वो पूरा हो गया है सामान से, अब पैक इस तरह से हो गया है, ये पहले पूरा खाली खाली था, अब ये हो गया इस तरह से परफेक्ट पूरा, चेयर वगैरह है, ये है शोकेस, यहाँ पर खिड़की आ गई, और प्याज जो होती थी वो प्याज मैंने इस साइड में रख दी हूँ, इधर में थी, तो ये हो गया यहाँ का। टीवी का कवर भी रखा हुआ है, खोका जो बोलते हैं हम इसको, खोका। तो अभी जाना है, कुछ और सामान रह गया है लेकर के आने के लिए, तो वो लेकर के आते हैं हम लोग, और एक कांच यहाँ पर भी लगाई हुई है, ग्लास यहाँ पर हाँ। तो चल अहरार पहले सामान लेकर के आ जाते, क्योंकि हमको नहीं कहीं, ये जो इसका यहाँ पर लगाने का था ना, इसको सरकाने वाला, तो वो रह गया है, तो वो लेकर के आने का है। जब ये पूरा वीडियो दिखाई रही थी, लेकिन क्या हो गया, लाइट चले गई, बारिश भी बहुत ज़्यादा थी, बारिश बंद हो गई है अभी, तो पहले बाहर का काम करना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ चलते हैं। एक बार तो मैंने ये रूम सेट कर दी थी, लेकिन ये जो टेबल था जिस पे मैं पढ़ाई करती थी, वो टेबल अम्मी के घर में था, मतलब अम्मी के हाथ से ही मैं उससे पढ़ाई करती थी, ऐसा यानी कि वो मेरा टेबल हो गया, तो वो टेबल नहीं कि अम्मी ने मुझे दिए है कि वो टेबल पे तेरे कोई कोई ना कोई काम हो जाएगा करके, तो वो टेबल आने के बावजूद मुझे आने के बाद में मुझे दोबारा से सेटिंग करना पड़ा है रार के रूम की। फरका तो उधर आ जाएंगी, नहीं आ रही ना मशीन अब आ जाती, ड्रम भी लास्ट पीस में है, इसको यहाँ पर रख देती हूँ, है ना, ये वाला जो है चेयर को यहाँ से उठाती ताकि परफेक्ट हो जाएगा ना, फिर है ना। ये चेयर जो है ना, ये चेयर है ना बड़ी है, यानी कि इसको किधर में भी लेकर के जाओ कभी नहीं आ रही है। नहीं फिट नहीं बैठ रही, पकड़ो ये पकड़ो। नहीं है ना, मत कर मत कर,
निकालने के लिए आफत होगी उसको, और डब्बे की वजह से अटक गई है वो। ये यहाँ पर भी नहीं आ, यहाँ आ रही है कि यहाँ पे भी नहीं आ रही है ना, वो छोटे वाले इसमें टेबल के पास में नहीं है, लास्ट कोना कर दिया मैंने तो उसको बिल्कुल। अब समझ नहीं आ रहा इन सबको कहाँ और कैसे रखी करती है, लेकिन निकालने के टाइम पे हैरान आदमी प्रॉब्लम होगी ना उसको, खींचने के टाइम पे टूटने का डर रहता है ना, फाइबर की है ना वो, देखती फिर करके उसको बाद में। क्योंकि ये टेबल जो था, ये टेबल आया है, टेबल की तो बहुत जरूरत थी और अच्छा होगी कि वो टेबल की वजह से नहीं क्या थोड़ी चेयर ये वाली रखती हूँ, नहीं तो फिर नहीं क्या वो लकड़ी वाली रखती हूँ तो फिर एडजस्ट होगा किसी ना किसी तरीके से, इन सबको एडजस्ट करना पड़ेगा अभी मेरे को। तो फिलहाल तो इन सबको सेट करती हूँ। तो फाइनली ये जो एहरार का रूम था ये मैंने पूरा सेट कर दी थी, क्योंकि जो उस मतलब एक दिन पहले निकल जो सामान आया था वो सामान हॉल का सेट हो गया था। अब एहरार का यानी कि जगह बहुत है, ऐसा नहीं कि जगह नहीं आ करके, लेकिन फिर भी सामानों की वजह से कैसा होता है कि जगह कम पड़ जाती है। यही सिटी में जगह बहुत कम होती है, हमारे पास में इतना होने के बावजूद भी हम लोग सोचते कहाँ कहाँ कौन कौन सा सामान रखे। तो फाइनली मेरा यहाँ पर टेबल आ चुका था और टेबल के ऊपर मुझे सामान रखने का था वो मैंने अभी रख दी थी, थोड़ा बहुत रहेगा तो मैं बाद में सही कर लूँगी करके इसको। और ये जो मेरे पास में निकिया है ये जो छोटा सा डॉग टाइप का, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारा लगता है, बहुत सॉफ्ट है। पहले ये बेड पे होता था, अब मैंने इसको अपने पास में टेबल पे ला करके रख दी हूँ। और डायरी वगैरह लिखने का है तो यहाँ पर रख दी हूँ मैंने। कभी कभी ऐसा रहता है नाइट में अगर कुछ लिखने का रहा या कुछ रिकॉर्ड करने का रहा तो उस वजह से मैंने वहाँ पर टेबल लैंप रख दी टेबल पर। और साथ ही निकाय यहाँ पर मेरे रिंग लाइट वगैरह सब कुछ है ये रूम में। तो ये मेरा सेटअप हो गया है, मतलब मेरे ब्लॉग का बोलो या कोई जैसे रील वगैरह के लिए सब कुछ परफेक्ट हो गया है। तो बस इतना ही मैंने आज कुछ करी हूँ सब रूम की सेटिंग वगैरह। अगर आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।